हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे केला का छिलके का चटनी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है केला का छिलके। जो हम पिछले वीडियो में केला का सब्जी बनाया था, उससे जो छिलके बच गया उसको हमने इस तरीके से बारीक कट के लिया और धो लिया। और थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा बारीक हरी मिर्ची दो, और थोड़ा सा चाहिए राई, और साथ में हम बनाएंगे बैंगन का फ्राई। और एक कच्चा केला का छिलके है दोस्तों, आपको इसको किस तरीके से काटना है। ऐसा ऐसा कल के काटा हुआ है, फ्रिज में रख दिए तो ये काला पड़ गया, तो काला हटा दीजिए। नहीं हटाएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसका रेशा आपको इस तरीके से निकालना है। देखिए दोस्तों, ये रेशा निकाल के फेंक दीजिए, सारी तरीके से इस तरीके से रेशा निकाल के फेंक दीजिए। रेशा को हटाकर आप इसको बारीक बारीक कट लीजिए। राई को हमने पेस्ट बना लिए। दोस्तों, यहाँ गर्म पानी है, हम छिलके को थोड़ा उबाल लेंगे। दोस्तों, केले का छिलका उबाल चुका है, इसे पानी से अलग कर दिया। दोस्तों, इस बैंगन को पहले से धो के रख दिया, पानी नहीं है। अब इसको काटेंगे, इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। दोस्तों, कढ़ाई हमारा गर्म है और कढ़ाई में 100 ग्राम रिफाइंड तेल है। और अब हम बैंगन को फ्राई करेंगे। पहले से नमक हल्दी लगा कर रख दिए 1 मिनट तक। दोस्तों, अब इसे थोड़ा कवर कर देंगे, और तब तक जब तक ये बैंगन फ्राई हो तब तक हम इसको पीस के लाते हैं सिलबट्टे में। दोस्तों, हमने सारा बैंगन को फ्राई कर लिया, अब इसे निकालेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा फ्राई करेंगे हरी मिर्ची, इसमें तीखा कम होता है। दोस्तों, अब बचे हुए तेल में जाएगा थोड़ा सा कलौंजी, और ये है केला का छिलका जिसको हमने पीसा, और ये है लहसुन। अब जाएगा लहसुन। थोड़ा सा जाएगा नमक। दोस्तों, अब जाएगा ये केला का उबला हुआ छिलके। दोस्तों, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और ये हरी मिर्ची, दो हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिए कटे हुए हरी मिर्च का। दोस्तों, अब ये जाएगा कटा हुआ हरी धनिया। दोस्तों, इस चटनी में लास्ट में जाएगा सरसों का पेस्ट, यानी मस्टर्ड पेस्ट। अच्छे से मिलाएंगे। ये हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे। सिर्फ बस इसको डालते ही आप गरम कढ़ाई में ही इसे अच्छे से मिलाएं और डिश आउट करें। दोस्तों, हमारा चटनी बन चुका है। दोस्तों, इस मिर्ची को फ्राई किया हमने, तो ऊपर से थोड़ा नमक देकर इसको डिश आउट करेंगे। ऐसा नमक लगा कर रखिएगा, बाद में ये बहुत स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, हमारा रेसिपी बनके है तैयार। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप इस डिश को एक बार घर में, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत स्वादिष्ट है, एक बार ट्राई तो कीजिए, कभी भूल नहीं पाएंगे केला का छिलके का चटनी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तो आज की वीडियो यही तक। बाय बाय दोस्तों।